हेलो एवरीवन, मैं हूँ रागिनी और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल त्रिशा घर संसार में। गाइस, मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मेथी की सब्जी की रेसिपी। बहुत ही अलग तरीके से मैंने इसे बनाई है, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है ये। तो आप इस रेसिपी को अपने घर पर ज़रूर ट्राई करें, और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो मेथी की सब्जी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने कढ़ाई गर्म करने रखी है, जिसमें मैं डाल रही हूँ कुकिंग ऑयल 1 बड़ी चम्मच के लगभग, और तेल गरम हो जब हम इसमें डालेंगे सौंफ। मैंने यहाँ पे सौंफ ऐड किया, मैंने यहाँ पे जीरा नहीं ऐड किया है। आप चाहे तो जीरा ऐड करिए, पर सौंफ से इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, तो आप यहाँ पे कोशिश करिए सौंफ ऐड करने की। 1 चम्मच सौंफ ऐड किया है, साथ में मैं इसमें ऐड करूँ 1 पिंच हींग का। और हींग और सौंफ जब पक जाए तो हम इसमें ऐड करेंगे कुछ चीज़ें, जिसमें कि है मेरे पास 1 चम्मच कटी हुई अदरक, मतलब 1 से 1.5 इंच के लगभग अदरक था जिसे बारीक कट कर लिया, 6 से 7 लहसुन की कलियाँ, 3 हरी मिर्च। हरी मिर्च आप अपने स्वाद के अनुसार ऐड कर सकते हैं, तीखा कितना कम या ज़्यादा चाहिए आपको। साथ में 1 बड़े साइज़ का प्याज, जिसे मैंने ऐसे देखिए बारीक बारीक लच्छे में कट किया है, मतलब बड़े बड़े स्लाइस में। और यहाँ पे ये सारी चीज़ें हम डाल के इसे 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे, भून लेंगे, जब तक कि प्याज का कलर हल्का पिंक ना हो जाए या प्याज थोड़ा सा सॉफ्ट ना हो जाए। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे आलू। आलू और प्याज अपने आप में ही पक जाएंगे, तो पहले इसे मिक्स कर देते हैं। और आलू मिक्स करने के बाद इसे ढक करके हम 5 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पे पकने देंगे, ताकि हमारे आलू थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पे मैंने 5 मिनट ढक दिया था, तो यहाँ पे आलू मेरे थोड़े सॉफ्ट हो चुके हैं। और इसके बाद इसे मिक्स कर देंगे एक बार, और इसमें हमें ऐड करना है फ्रेश हरे मटर के दाने, जिसे छीमी कहा जाता है। तो यहाँ पे फ्रेश हरे मटर के दाने में यूज़ करिए, आप अपनी पसंद से कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। हरे मटर के दाने आप जितना ज़्यादा डालेंगे उतनी ही टेस्टी आपकी सब्ज़ी बन के रेडी होगी। तो यहाँ पे हरे मटर के दाने डालने के बाद इसे मिक्स कर देंगे, और फिर से इसे 2 से 3 मिनट तक ढक देंगे, ताकि हरे मटर के दाने और आलू थोड़े और अच्छी तरह से पक जाए। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसे 2 से 3 मिनट ढक दिया था, और इसे एक बार फिर मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद हमें इसमें ऐड करना है अब टमाटर, तो 1 बारीक कटा हुआ टमाटर इसमें ऐड कर देंगे। टमाटर को मिक्स करने के बाद इसमें ऐड करेंगे मसाले, जितने 1/4 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1/4 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर, और 1/4 टेबल स्पून से कम हल्दी पाउडर, मतलब 1/4 चम्मच से कम हल्दी पाउडर, और बाकी सब 1/4 चम्मच इसमें ऐड किया। साथ में थोड़ा सा नमक ऐड किया मैंने इसमें, सिर्फ 2 से 3 पिंच, ताकि जो आलू टमाटर है थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। और ऊपर से नमक मिक्स करने के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ फ्रेश मेथी, जिसे अच्छी तरह से मैंने धो करके काट लिया है। ये इसमें ऐड करने के बाद 5 मिनट तक इसे ढक देंगे, ताकि मेथी सॉफ्ट होके थोड़ी सी गल जाए। तो यहाँ पे 5 मिनट ढकने के बाद देखिए मेथी अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है, थोड़ी गल भी चुकी है, और इस देखिए मेथी ने बहुत सारा पानी छोड़ दिया है। तो हम चलिए इसे मिक्स कर लेते हैं आलू मटर में मेथी को, और मिक्स अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद पहले इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। और आपको एक चीज़ का ध्यान देना है, यहाँ पे जो ये आलू है आप चाहे तो इसे हल्का हल्का मैश भी कर सकते हैं मिक्स करते हुए। और फिर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ नमक, तो नमक अब हम इसमें ऐड कर देंगे अपने स्वाद के अनुसार। और नमक ऐड करने के बाद इसे वापस एक बार मिक्स कर लेते हैं, ताकि नमक सारी सब्जियों में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ये सब्ज़ी खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, तो आप इसे ट्राई ज़रूर करें। और देखिए यहाँ पे मैंने इसे मिक्स कर दिया, और इसे फिर से मैं ढक देती हूँ लगभग 5 से 6 मिनट के लिए। तो यहाँ पे देखिए मेथी ने ढेर सारा पानी छोड़ दिया, और ये सारा प्रोसेस मैं स्लो मीडियम हाई फ्लेम पर कर रही हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं है और बहुत ज़्यादा स्लो फ्लेम भी नहीं है। तो इसे हम खोल के अब तब तक पकाएंगे जब तक कि मेथी का पानी ना सूख जाए। तो इसमें मैंने यहाँ पे मेथी का पानी थोड़ा सा सूखने के बाद कसूरी मेथी डाली है, ये ऑप्शनल है, पर इससे इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो आपके पास हो तो आप ऐड ज़रूर करें। तो यहाँ पे देखिए मेथी का लगभग 80-90% पानी सूख चुका है, इसे मिक्स कर देते हैं एक बार। और मिक्स करने के बाद यहाँ पे ये देखिए रेडी है, इसे मैंने खोल के ही पकाया, इसके बाद मैंने इसे ढका नहीं था। अब हमें इसमें ऐड करना है फ्रेश ग्रेट किया हुआ कोकोनट, मतलब यहाँ पे मेरे पास नारियल है, और इसे मैंने ग्रेट कर लिया अच्छी तरह से, इसका मैंने बूरा बना के तैयार कर लिया है। और ये मैं इसमें ऐड करूँगी लगभग 3 से 4 टेबल स्पून के लगभग, या आप चाहे तो और ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, इससे इसमें मिठास आती है जिसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो नारियल को भी हम इसमें मिक्स कर देंगे, और मिक्स करने के बाद हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। बंद करने के बाद हम इसे ढक करके 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे गैस का फ्लेम बंद करके। तो यहाँ पे देखिए 5 मिनट हो चुके हैं, सब्ज़ी मेरी पक के तैयार है, और एक बार वापस इसे मिक्स कर देते हैं, इसके बाद हम इसे सर्व कर लेंगे। तो बस ये मेथी की सब्ज़ी बनकर तैयार है, आप इसे अपने घर पर ट्राई ज़रूर करें। और ऊपर से मैंने इस पर डाला है थोड़ा सा ग्रेटेड कोकोनट गार्निशिंग के लिए। और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।